सो हेलो गाइज, तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी गाइज। मेरे पास इतने सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे कि भाई हमको हैदराबाद में अगर ड्राइवर का काम करना है, ठीक है, जैसे कि अगर हम एक कार ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं या फिर एक ट्रक ड्राइवर हैं, तो आपने बताया था कि हैदराबाद में इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। देखो, अगर आप एक कार ड्राइवर हो या फिर एक टैक्सी ड्राइवर हो या फिर एक ट्रक ड्राइवर हो, तो आप बिल्कुल सही हो, हैदराबाद में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। बट मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद में एक कंडीशन होता है कि लगभग अगर आपको काम करना है ड्राइवर का, तो मिनिमम कम से कम आप ड्राइविंग में 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद ही हैदराबाद में काम करना, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद एक तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है, और दूसरा फायदा आपको ये होता है कि आपको जॉब आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ट्रक ड्राइवर हो या फिर एक कार ड्राइवर हो आप, तो आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई लोग कह रहे थे कि भाई अगर हम एक ड्राइवर हैं और हैदराबाद में हमारा कोई जान पहचान का नहीं है, मतलब अगर हम किसी को जानते नहीं है, तो हमको जॉब कैसे मिलेगा। देखो, आपको जॉब मिलने का कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा ड्राइविंग नॉलेज है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जॉब मिलेगा। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्राइवर का काम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फिर मैं आपको सैलरी बता दूंगा कितने तक आपको ड्राइविंग पे सैलरी मिलती है हैदराबाद में, ठीक है। और जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी हैदराबाद पे, जिसमें मैंने कई सारे जॉब बताए थे जो कि आप 10th और 12th के बाद हैदराबाद में कर सकते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वो भी देखना इसके बाद, ठीक है। उसमें आपको और भी जॉब पता चलेंगी जो कि आप हैदराबाद में 10th या फिर 12th के बाद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। देखो, अगर आप एक कार ड्राइवर हो, एक मतलब टैक्सी ड्राइवर हो, तो आपको जो ऑन एन एवरेज सैलरी मिलती है वो 15,000 से लेकर के 35,000 के बीच में मिलती है। डिपेंड करता है आपके वर्किंग आवर के ऊपर, आप किस टाइप के ड्राइवर हो। जैसे कर सारे जो पर्सनल ड्राइवर होते हैं, जो मतलब फैमिलीज के लिए काम करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो लोग लगभग 25,000-30,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, मंथली, तो आप इतने तक अर्न कर सकते हो। और अगर हम बात करें ट्रक ड्राइवर की जो ऑन एन एवरेज सैलरी है हैदराबाद में, वो लगभग 20,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक है। इसमें आपको टिप मिलता है, प्लस खाने पीने का खर्चा मिलता है। आप जितने भी टिप करोगे, जितने भी राउंड, मतलब जितने खाने पीने का भी खर्चा मिलता है उसमें, अगर आप खाना पीना बचा लेते हो तो भी आपके पैसे बच जाते हैं, काफ़ी पैसे मिलते हैं, टिप भी मिलता है आप लोगों को, तो ट्रक ड्राइवर में काफ़ी अच्छी है। ट्रक ड्राइविंग में एक क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 12th पास के सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। हैदराबाद में ड्राइविंग के लिए आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए और आप एबव 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, आप अप्लाई कर सकते हो हैदराबाद में। अगर आप किसी भी टाइप के ड्राइवर हो, तो हैदराबाद में अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि indeed.com करके है, LinkedIn है, naukri.com है, ये तीनों वेबसाइट मेरा पर्सनली फेवरेट है। तो वहाँ से आप अप्लाई करोगे, आपको आराम से जॉब मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, करियर अच्छा बनाओ और मेहनत करते जाओ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।